अब क्या करेगा ये? We are the best. I need a weapon. अरे मेरा भी चुकेल बचा तो है ये. और मेरे भाई लोग कैसे हो, एक और आ चुके खतरनाक टू और रैंक पोस्ट वीडियो के संग। आज अपन का रैंक पोस्ट का डेट है जहाँ पे आप लोग क्या रैंक चल रही है और आप लोग कौन से टीयर पे भी हो वो भी यहाँ पे मेरे को जरूर से कमेंट करके बता देना। और उससे पहले ये 1v2 अच्छा लगा होगा तो जरूर से कमेंट करके बता देना और वीडियो को भी जरूर से यहाँ पे लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। और सीधा बढ़ते हैं यहाँ पे अपन वीडियो की तरफ। इस वाले वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे रैंक पुश का सही टाइमिंग क्या है। अगर सही टाइमिंग पे आप लोग रैंक पुश करोगे तो वहाँ पे आप लोग पहले से काफी ज्यादा प्लस भी निकाल सकते हो, क्योंकि इंट्रो में आप लोगों ने ऑलरेडी चेक कर लिया होगा। अब मेरी दूसरी आईडी का रैंक एस पे 1 से 2 स्टार के बीच में चला है और एक सिंगल गेम में मैं 40 से ऊपर का प्लस ले रहा हूँ। मेरा खेलने का टाइमिंग क्या है, किस टाइम मैं खेलता हूँ, वो सब कुछ इस वाली वीडियो के अंदर बताऊंगा, तो जरूर से वीडियो को एंड तक देखना। अभी तो नेट से मरता देखा। उससे पहले ये प्यारा सा 1v2 देख लो। एक बंदे को ऑलरेडी फिनिश कर चुका था और जो सेकंड बंदा था वो जस्ट मेरे ऊपर था, तो सबसे पहले मैं सोचता हूँ क्यों ना इस बंदे को ग्रेनेड से मारने की ट्राई करा जाए। पर भाई ये जो बंदा था फटाफट व्हीकल लेके भागना चाहता था, क्योंकि इसे कहीं ना कहीं अपना जो टीममेट था वो अभी के लिए रिकवर करना था। अब यहाँ पे बताता हूँ भाई रैंक पुश करने का सही टाइमिंग क्या है। सबसे पहले तो गाइस एक चीज आप लोग समझ लो, अगर आपको रैंक पुश करना है, अगर आप लोग अच्छे टीयर पे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग 10 या 11 बजे से रैंक पुश करना चालू करो, वो भी सुबह के, और सुबह 6, 7, 8 ये जो 9 बजे का टाइम है इसे जितना हो सके अवॉइड करा करो। क्यों, कैसे, ऐसे टाइम पे जो रैंक पुश लोबी है, एक प्रॉपर रैंक पुश लोबी, वो आपको देखने को नहीं मिलती। जहाँ पे अगर आप लोग अच्छे खासे किल निकाल के टॉप 10 भी निकालोगे तो वहाँ आपको ज्यादा प्लस देखने को नहीं मिलेगा। और अगर पहले फिनिश हो जाओगे तो लिख के ले लो गाइस आपका 40 का ज्यादा माइनस होगा। इसलिए गाइस सही टाइम पे आपको रैंक पुश करना चाहिए। और अगर आपको गेम अपने अच्छे निकालने हैं, वो भी अपने अच्छे दिमाग से, आईक्यू से, तो क्या करो गाइस 2 घंटे खेलो, उसके बाद कुछ घंटों का ब्रेक लो, फिर वापस 2 घंटे खेलो, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपको जो टाइम है उसमें आप लोग कहीं ना कहीं अच्छा अपना गेम को इम्प्रूव भी कर पाओगे। क्योंकि भाई लगातार गेम खेलोगे तो कहीं ना कहीं पैनिक हो जाओगे, सिचुएशन समझ में नहीं आएगी क्या भाई पिछला गेम माइनस लगा, तो ज़्यादा चांसेस उसका अगला गेम भी माइनस लग जाए और कहीं ना कहीं आप लोग गेम प्ले पर अच्छे से फोकस नहीं कर पाओगे। इसलिए जो मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ उसे अपने गेम प्ले पे अप्लाई करके देखो, 110% आपका गेम प्ले भी अच्छा जाएगा और कहीं ना कहीं आप लोग हर गेम में बहुत ही ज़्यादा प्लस निकाल सकते हो। अभी के लिए जस्ट हमारे अलावा 3 बंदे और ऐप थे जहाँ पे एक बंदा सामने होता है और उसे अभी के लिए कैसे भी करके मारना था, क्योंकि हमारे जस्ट आगे भी एक टीम होती है। तो यहाँ पे मैं सीधा इस कार्य निकालता हूँ और ऑलरेडी बंदे को अच्छा खासा डैमेज कर चुका था, पर जो दूसरी टीम होती है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फायदा उठा लेती है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ वो अभी आपको कुछ देर के बाद यहाँ पे पता चल जाएगा। अब जिस बंदे को मैंने इतना अच्छा खासा डैमेज दिया था उसको यहाँ पे दूसरी टीम फिनिश कर देती है और जस्ट अब हमारे अलावा 2 बंदे और अराइव थे। अभी जो गेम प्ले है ये कुछ दिन पुराना है, इस आईडी में कॉन्कर हो चुका है और मैंने एक न्यू आईडी पेयर पोस्ट के लिए ऑलरेडी उठा रखी है, जिस आईडी से आपको कल से गेम प्ले देखने को मिल जाएंगे। तो अभी के लिए थोड़ा सा पुराना गेम प्ले है, पर मैंने सोचा क्यों ना ये गेम प्ले आपको दिखाया जाए, क्योंकि गेम प्ले काफ़ी ज़्यादा यहाँ औसम जाता है। अब एक बंदा टेक डाउन हो चुका था और जस्ट एक बंदा था और हमें कहीं ना कहीं उसकी पोजीशन पता थी कि भाई आगे साइड होगा, क्योंकि पेयर साइड हमें कहीं ना कहीं हल्का सा स्पॉट हुआ था। पर यहाँ पे अपन के पास अभी के लिए एक डांसिंग ग्रेनेड होता है तो हम लोग उसकी ट्राई करते हैं। और लकीली यहाँ पे बंदा आराम से फिनिश हो जाता है। बाकी अगर आप में से किसी बंदे को पेयर पुश करवाना हो तो मेरे को भी मैसेज कर सकते हो, मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय। और जरूर से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बता सकते हो ये वाली वीडियो आपको अभी के लिए कैसी लगी।